जय साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती में फिर से तीसरी बड़ी भर्ती आ रही है, जहां पर 87,000 पदों पर भर्ती हो सकती है, जिसमें 1 से लेकर 12 तक के विभिन्न अलग अलग पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। यहां पर बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं कि इसमें क्या कैसे होगा, क्या कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, तो उस पर हम क्या करें, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, जहां आपके सवाल होंगे सबमिट कॉम्बिनेशन से लेकर सारी चीजों के करके क्रमवार रूप से बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ग 1 से लेकर 5 तक। प्राथमिक के लिए आपको पता है कि बीएड बीटीसी का भी मामला यहां पर है, तो एक चीज तो क्लियर हो जाए आप लोग का कि जो बीएड की अभ्यर्थी है वो 6 से लेकर 12 तक की जो भर्ती है उनमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर हम बीएड के लिए बात करें तो बीएड की जो अभ्यर्थी है वो 6 से लेकर 8 तक, वर्ग 6 से लेकर 8 तक, फिर 9, 10 और वर्ग 11 और 12 के लिए। लेकिन वहीं पर जो बीटीसी के अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा, जो बीटीसी या जिनके डीएलएड हैं, जिन अभ्यर्थियों के डीएलएड हैं, वे अभ्यर्थी 1 से लेकर 5 तक और दूसरा 6 से लेकर 8 तक में आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों भर्तियों में एक चीज आपको कॉमन देखनी समझनी होगी और शायद आपको पता भी हो, इन दोनों के लिए आपको टेट जरूरी है। इसके लिए आपके लिए टेट परीक्षा जरूरी है। अगर आप टेट परीक्षा पास हैं जूनियर का टेट, तो आप इसमें दे पाएंगे। इसके लिए प्राइमरी का टेट और 6 से लेकर 8, मतलब इन दोनों के लिए, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के लिए टेट परीक्षा अनिवार्य है। प्राइमरी के लिए प्राइमरी का टेट और जूनियर के लिए जूनियर का टेट। मतलब जो बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं और सीटेट पास हैं, प्राइमरी का पास है तो प्राइमरी आवेदन कर पाएंगे, जूनियर में पास है तो जूनियर में आवेदन कर पाएंगे। एक और सवाल आप सभी के लिए है कि सर 9, 10 और 11, 12 के लिए, इसके लिए आपको एस्टेट फर्स्ट और यहाँ पे हो जाएगा एस्टेट पेपर 2, माने 9, 10 के लिए आपको एस्टेट पेपर फर्स्ट और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एस्टेट पेपर फर्स्ट और 11, 12 के लिए आपको एस्टेट पेपर 2 पास होना आप सभी के लिए अनिवार्य है। तो अब एक बात कॉमन हो गई, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए के एक अलग वीडियो हम बना देंगे, जिसमें सामाजिक विज्ञान अलग बना देंगे और गणित विज्ञान, तो आप जानते हैं गणित विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा कुछ भागना नहीं है, गणित विज्ञान का सिलेबस आपको तो पता होगा, नहीं होगा तो गणित विज्ञान के लिए हम अलग से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बना देंगे, 6 से लेकर 8 का अलग, 9, 10 का अलग, 11, 12 का अलग, अगर आप कमेंट करके बताएंगे बनाना है तो। अगर स्टेट पेपर फर्स्ट पास है तो ठीक है, सेकंड पास है ठीक है। अभी सवाल उठ रहा है कि सर जिन्होंने स्टेट का फॉर्म भरा है और अभी एस्टेट की परीक्षा नहीं हो पाई, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या पेयरिंग आवेदन हो सकता है? जी, अभी तो बात चल रही है कि जिनका एस्टेट पेपर फर्स्ट सेकंड नहीं हुआ है और उन्होंने दिसंबर जनवरी में जो आवेदन किया था उसकी जो परीक्षा मार्च में प्रस्तावित थी, क्या वो इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे? जी, उनके लिए अपेयरिंग का मौका मिल सकता है। क्या सीटेट के अभ्यर्थियों को अपेयरिंग का मौका मिलेगा? जी नहीं, क्योंकि सीटेट का उत्तर कुंजी जारी हो गई और जल्द ही आपको सीटेट की मार्कशीट, सीटेट का जो यूं कह सकते हैं कि रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसलिए आपको घबराने की बात नहीं, एकदम धैर्य रखकर अपना काम करिए। सीटेट पास 82-90 वाला जो कॉन्सेप्ट था, आप इस तरह से मान के चलिएगा कि आपको 90+ पर ही काम करना है। अगर अदर स्टेट का अभ्यर्थी है तो आपको 90+ पर काम करना, वहां पे सभी व्यक्ति जाकर सामान्य हो जाएगा। अब यहां तक तो चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, यहां पे ये सारी जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। सामाजिक विज्ञान SST, अगर आप SST से सीटेट पास हो तो SST में जाएंगे और मैथ साइंस से पास हो तो मैथ साइंस, गणित विज्ञान का। लेकिन 9, 10, 11, 12 के लिए यहां पर स्टेट परीक्षा पास होने, इसके लिए टेट अनिवार्यता नहीं है। सवाल आता आपके मन में कि क्या सर इसके लिए हमें वही सीटेट जो, जी नहीं, इसके लिए सीटेट नहीं, इसमें केवल और केवल बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर, मैंने स्लाइड बना दिया यहां पर, यहां तक केवल और केवल बीएड के अभ्यर्थी, यहां तक ये केवल बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। माने बीएड के अभ्यर्थियों को 3 परीक्षाओं में मौका मिल रहा है, जबकि वहीं पर बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थियों को केवल 2 तरह की परीक्षाओं में मौका यहां पर मिल रहा है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गए तो अब हम इसकी अन्य जानकारी की तरफ चलते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण, इस वीडियो को शेयर करिएगा। एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि अब पूरी जो परीक्षा हुई वो केवल एनसीईआरटी पैटर्न पर हो रही है। कहां पर हो रही है? केवल केवल एनसीईआरटी पैटर्न पर हो रही है। एनसीईआरटी और एसईआरटी इन दोनों के आधार पर हो रही है, क्योंकि कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितनी भी क्लासेस पढ़ ले, इससे बाहर आपका, क्योंकि जितने भी पेपर हुआ है, आपने लास्ट परीक्षा में देखे जो भी मैंने मैराथन कराई थी, उस मैराथन से बाहर परीक्षा में सवाल नहीं है, मैराथन भी पढ़ा है, पेपर आपके पास होगा, टैली कराकर आप देख लीजिए। उसके लिए आप इलानी विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात करके यहाँ पे कंप्लीट नोट्स, एनसीईआरटी बेस एसईआरटी बेस के जो कंप्लीट नोट्स है, हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, क्योंकि बिना इसके अगर आप यहाँ सिलेक्शन ले लें तो काफी मुश्किल भरा आपके लिए है। तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक साझा जरूर करिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे यहाँ पर एक बात आपको शायद दिख रही होगी, पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि बीपीएससी आवेदन और परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान, माने जो तीसरा चरण था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग 87,000 पदों पर, कहा जा रहा है कि 87,000 पदों पर जो
भर्ती आ सकती है। जो भर्ती आने वाली है उन भर्तियों की पद संख्या की बात की जा रही तो ये माना जा रहा है लगभग 87,000 इसमें पोस्ट होगा। और बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती घोषणा कर दी। इस चरण में 87,000 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन की प्रक्रिया जो होगी वो 10 फरवरी से शुरू हो जाएगी। मतलब आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू हो रही है, 10 फरवरी से शुरू हो रही है। आवेदन जो है वो 10 फरवरी से प्रारंभ हो जा रहा है और जो अंतिम तिथि है वो ये मानी जा रही है कि इसकी अंतिम तारीख 17 फरवरी होगी। इसके जो है ये मानी जा रही है कि 17 फरवरी तक, माने आपको आवेदन करने में समय भी नहीं मिल पा रहा है, मतलब लगभग 7-8 दिन का समय है जिसमें आप आवेदन कर पाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती में सफल नहीं हो पाए थे उनके लिए एक बढ़िया मौका है कि वो अपने भविष्य को इस बार अंतिम रूप से सिलेक्शन के करीब लेकर पहुंचे। दूसरी बात यह है 87,000 पदों पर शिक्षक की नियुक्ति होने की संभावना है। अब यहाँ पर है एक ही पेपर होगा, इस बार भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग व्यवस्था नहीं होगी, मान इस बार भी अब पेपर एक होगा। मतलब यहाँ पर 120 प्लस 30 माने एक ही पेपर होगा, क्योंकि पहले दूसरे चरण की बात ही इस चरण की भी व्यवस्था की गई। मतलब ऐसा नहीं है कि इस बार जो है पहली चरण के तक, क्योंकि जब चरण पहला हुआ था सातवां चरण जो फेज वन था पहली बार जो हुआ था बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती, उसमें दो पेपर भाषा का अलग हुआ था और आपके विषय या सामान्य अध्ययन का अलग हुआ, लेकिन अब एक ही में दोनों पेपर होगा, बेशक लैंग्वेज आपके लिए क्वालिफाई रहेगा। बीपीएससी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जानकारी दी। होली के पहले रिजल्ट संभावना और होली के पहले रिजल्ट भी जारी जाएगा। मतलब गति देख रहे हैं कितनी तेज गति से काम हो रहा है, मैंने होली से पहले आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो अब देरी मत करें, अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। और कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी। जो परीक्षा होनी है वो 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक परीक्षा होगी। मैंने परीक्षा की डेट भी आ गई, परीक्षा की तिथि भी आ गई है। अब आप देरी कर रहे हैं तो भैया अभी भी समय है, उठिए भागिए दौड़िए तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो बीपीएससी पूरी तरह से कमर कस लिया है, पूरी तरह से तैयार हो गया, अब आपकी बारी है, अब आपको भी अपना बेस्ट और बेहतर देना, अपनी तैयारी पर जान लगा दीजिए, लेकिन जाने मत दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आवेदन क्या होगा, 10 फरवरी तक आवेदन होगा, जो परीक्षा होगी 7 से लेकर 17 मार्च तक परीक्षा होगी। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो आप लोग को जानना है, पूरा जो सिलेबस है जो पूरा इसका पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर विभाग ने बताया कि वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हुई, क्या है वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि 87,000 से लेकर 1,00,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। हालांकि एक अच्छी खासी संख्या होने की उम्मीद उन्होंने बताया कि इस परीक्षा की पूरक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 1 से 5 माने प्राथमिक, 6 से 8 मध्य, 9वीं 10वीं माध्यमिक और 11वीं से 12वीं, माने यहाँ पे देखिए 6 से 8 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं की शिक्षक रिक्तियां निकाली जाएंगी। माने 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक, 9, 10, 11, 12 इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए शिक्षक की नियुक्तियां निकल रही है। इस बार शिक्षा विभाग और SC ST कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए रिक्तियां निकाली जाएंगी। इसमें पहली अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, मतलब सेकंड टीयर की तरह यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी जो अपेयरिंग अभ्यर्थी थे उनको मौका मिलने वाला नहीं है। आवेदन वैसे पहले अभ्यर्थी पहले की तरह स्टेट CTET पास है, नए उम्मीदवार किसी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नए उम्मीदवार को मौका नहीं मिलने वाला है। ऐसे अभ्यर्थी जो टेट जो CTET या स्टेट और BTET पास हैं वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे जो इसके पहले कर पाए थे। और चौथा जो चरण होगा वो उसकी जो परीक्षा होगी अगस्त में होगी, मतलब इसका जो अगला चरण होगा वो अगस्त महीने में होगा। इसलिए जो भी सरकारी शिक्षक बनने का सपना सोच रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ब्रेक मत लीजिएगा, यकीन मानिए एक दिन आप सफल होकर ही लेंगे। परीक्षा जो चरण की बात करें, तीसरे चरण की जो परीक्षा एक ही परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, मैंने एक पेपर होगा 2.5 घंटे का होगा, मतलब 150 प्रश्न होंगे, समय भी 150 मिनट का ही होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 संबंधित विषय का होगा, भाग एक क्वालिफाइंग विषय का होगा, भाग एक में जिसमें 30 प्रश्न होंगे, जैसे कि मैंने ऊपर पहले ही बताया कि जो पेपर होगा, अगर हम पेपर की बात करें पेपर का जो पैटर्न है जो पहला भाग है वहाँ पर 30 प्रश्न होंगे भाषा के, जिसमें 21:9 का रेशियो है जैसा कि इसके पहले था। इसमें क्वालिफाई करना है, इसमें 9 अंक आपको सही लाना है। सेकंड जो है आपका देखिए सेकंड भाग जो है इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन, माने 40 प्रश्न जो होंगे वो GS होंगे। देखिए ये होगा भाषा आपका, ये आपका हो गया GS, और जो तीसरा भाग इसका होगा वो क्या होगा आपका सब्जेक्ट, 80 प्रश्न, मतलब क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कुल मिलाकर आपके 150 प्रश्न बनेंगे। इसमें से ये आपका क्वालिफाई मार्क है, यहाँ पे क्या है केवल क्वालिफाई करना है 150 प्रश्न में, जो आपकी मेरिट बननी है वो मेरिट बननी है कि इन दोनों के सापेक्ष आपकी मेरिट बननी है। तो ये पूरी तरह से आप लोग जानते रहेगा, एक ही बुकलेट में तीनों भाग होंगे और SCERT और SCERT से होगा। पेपर का जो पूरा पैटर्न है वो NCERT और SCERT से होगा, इसलिए जो बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे वो भी NCERT पर पूरा फोकस करें। अगर NCERT फोकस नहीं कर पा रहे तो अभी मानिए सिलेक्शन से काफी दूर है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पर, वीडियो यूट्यूब पर, जहां भी आप देख रहे हैं, अभी भी अपनी जान लगा दीजिए, भर्ती को जाने
मत दीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है। मैं बार बार कहूंगा, इसलिए इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा, टेलीग्राम पर देखिए। और ई लर्निंग मित्र ऐप अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा तो 6 से लेकर 12 तक के लिए पूरी एनसीईआरटी की नोट्स वहां पर उपलब्ध है, आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उसका पूरी तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ, हो सकता है वो नंबर आपके काम आ जाए। जी हाँ, 6306344367, इस पर व्हाट्सएप करके सभी नोट्स आप बिहार शिक्षक भर्ती की प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद अहम हो गया। यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा तो ठीक है, वरना फिर हम साफ साफ दूसरी जगह आपको पूरा नंबर दे दें। हमारी क्लासें निःशुल्क रहती है, देशहित में, राष्ट्रहित में, और कोशिश करिएगा खुद से पढ़ने का, क्योंकि कोचिंगों को सहारा रहेंगे तो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, इसलिए खुद पर फोकस करिए और अपना बेस्ट और बेहतर दीजिएगा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर है कि टेलीग्राम पर कभी तक आप दुर्गेश सर सर्च कर ई लर्निंग विद दुर्गेश नहीं जुड़ेंगे, तो टेलीग्राम पे सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश से हम आपके सभी सवालों के यहाँ पे जवाब और सभी क्लासेस की लिंक, वीडियो आदि आपको एक तरफ से मिलती जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, क्योंकि ई लर्निंग विद दुर्गेश जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर बीपीएससी से जो भी संबंधित खबरें होंगी, जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी नोट्स होंगे, वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। उसके लिए एक नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं और उस नंबर पर केवल केवल आपको जानकारी जो है वो ऐड कर दिया जाएगी, आप कॉल नहीं लग पाएगा। इस नंबर पर कुछ लोग अपनी समस्याएं पूछते थे, ये केवल नोट संबंधित नंबर, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आप लोग न कर पाए, क्योंकि लोग सवाल पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, वीडियो को शेयर करिएगा और कोई भी प्रश्न हो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम आप सभी के सभी सवालों के जवाब यहाँ पे लेकर उन सभी के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे, कोई भी सवाल हो। इसके अलावा हम एक सभी कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उसको लेकर हम इसमें वीडियो बनाएंगे और हम आपके कोशिश करेंगे कि आप अपना बेस्ट और बेहतर देते रहे, इस तरह कदम दर कदम अपना आगे बढ़ाते रहे और सिलेक्शन के करीब पहुंचे। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वैसे हम इसकी वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, सभी टॉपिक जितने भी प्रश्न आपके आएंगे उन सभी प्रश्नों के क्रमवार रूप से एक एक जवाब हम लेकर आएंगे, एक एक टॉपिक पर आपके सवाल के आंसर होंगे। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। सभी SST गणित विज्ञान सभी के CRT नोट और CRT नोट है जो आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हो सकती है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।